यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को किया तबाह। कर रहा था इसराइल के लिए जासूसी का काम। दोस्तों, आखिर ये हुती विद्रोही कौन है, कहां से आते हैं और अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की क्या खासियत है जिससे भारत भी अमेरिका से खरीद सकता है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। यमन में हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। यमन के लोगों का कहना है कि अमेरिकी MQ-9 ड्रोन इसराइल के लिए जासूसी कर रहा था, इसलिए ड्रोन को तबाह कर दिया गया। बदले की भावना लिए हुए बाइडेन ने ये साफ कह दिया है कि हुतियों को ये ड्रोन गिराने की सजा जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि यमन के हुती लोग यमन के एक शिया मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं। इनका ऑफिशियल नाम अंसर अल्लाह है, लेकिन कॉमनली इन्हें हुती के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग अपने लीडर अब्दुल मलिक अल हुती के नाम पर प्रसिद्ध हैं। यमन मिडल ईस्ट में स्थित एक देश है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है और कैपिटल सना है। यहाँ की जनसंख्या में मुस्लिम मेजोरिटी है, जिसमें मेनली सुन्नी और शिया सेक्ट शामिल हैं। यमन का इतिहास बहुत रिच है। हुती समुदाय का इतिहास 1990 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने अपने अधिकार और प्रतिबद्धता के लिए आवाज उठाई। उनका प्रमुख आधारभूत आरोप था कि उन्हें सुन्नी मुस्लिम बहुमत के विरुद्ध नजरअंदाज किया जा रहा है और उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर है। दोस्तों, आप लोगों ने यमन सिविल वॉर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हुती के लोगों का जिक्र है। ये वॉर 2014 से शुरू हुआ था, जब हुती मिलिटेंट्स ने सना, जो कि यमन की कैपिटल है, इस पर कंट्रोल हासिल किया। हुती एक शिया मुस्लिम ग्रुप है और उनका सपोर्ट ईरान से मिलता है। सिविल वॉर की शुरुआत से पहले यमन ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रहा था। जंग के बाद यमन में बहुत से फैक्शंस और ग्रुप ने अपने अपने एरियाज पर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट लेड बाय प्रेसिडेंट ABD रब्बू मंसूर हदी, हुती रेबल्स एंड अदर ग्रुप्स। इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्सटर्नल एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यमन के गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, जबकि ईरान हुती रेबल्स को सपोर्ट करता है। सऊदी लेड कोअलिशन ने मिलिट्री इंटरवेंशन की है यमन में हुती सेना के विरुद्ध, जिसे ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म कहा गया है। इसी के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस सिविल वॉर के दौरान यमन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हुई है, जिसमें फैमन, लेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज और वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट शामिल है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस क्राइसिस को वर्ल्ड अटेंशन पर लाने में काम किया और एफर्ट्स किए हैं टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। अब आपको बताते हैं अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की ताकत के बारे में, जिसके तबाह होने पर अमेरिका बौखलाया हुआ है। MQ-9 रीपर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन स्पेशली डिजाइंड है सर्वेलेंस, रिकॉग्निशंस और एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए। ये एक आर्म्ड ड्रोन है। इसका मतलब है कि इसमें वेपन्स भी इंस्टॉल होते हैं, जिससे ये टारगेट को अटैक कर सकता है, जिसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के द्वारा बनाया गया है। बताया जाता है कि MQ-9 रीपर की रेंज 1850 किलोमीटर है। इसका ड्यूरेंस 30 घंटे के आसपास होता है, जिसका मतलब है कि ये लंबे समय तक हवा में रहकर मिशन कंप्लीट कर सकता है। ड्रोन के पास एक वैरायटी ऑफ वेपन्स होती हैं, जिसमें हेल फायर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस शामिल होते हैं। ये वेपन्स एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल होते हैं। MQ-9 रीपर को रिमोट लोकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें ऑपरेटर्स ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ड्रोन को फ्लाई और कंट्रोल करते हैं। भारत ने हाल ही में अपनी थल सेना और नौसेना को सुधारने और मजबूत करने के लिए अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद पर बातचीत की है। इस मुद्दे पर हुई 2+2 वार्ता के दौरान भारत और अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन के सौदे को लेकर सहमति जाहिर की है। यह निर्णय लद्दाख क्षेत्र में बढ़ती चीनी चुनौतियों को देखते हुए आया गया है, जहां भारत ने अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों की आवश्यकता महसूस की है।